जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे इंडिया के पहले सुपर सोल्जर कैप्टन व्योम की। कैप्टन व्योम के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1998 में शुरू हुआ और हम सबको लगता है कि हॉलीवुड में जो साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाई जाती है वो बहुत अच्छी होती है और पहले, लेकिन कैप्टन व्योम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो साइंस फिक्शन की हॉलीवुड की मूवीज़ से पहले हमने दिखा दी, थोड़ी थोड़ी बाद में हॉलीवुड की फिल्में बड़े पैमाने पर दिखाया। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। कैप्टन व्योम सीरियल की शुरुआत होती है माया के करेक्टर, जेलर माया के करेक्टर से, जो आईओ जेल जाता है और उनके जेल पहुंचते ही वहां से 12 अंतरिक्ष के सबसे खूंखार अपराधी भाग जाते हैं और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। इस सीरियल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम भी माया एंटरटेनमेंट था। 1998 में ही एक सॉफ्टवेयर भी आया था जो 3D इफेक्ट्स के लिए बनाया गया था, उसका भी नाम माया था। अब हम बात करते हैं उन इफेक्ट्स के बारे में जो कैप्टन व्योम में बहुत पहले आई और बाद में मार्वल्स और हॉलीवुड की कई मूवीज़ में दिखाई गई, यहाँ तक कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में भी उनको आप देख सकते हैं। कैप्टन व्योम की कहानी में एक अहम बात है वार्महोल की। वार्महोल का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से लिटरेचर में रहा है, 1960s के टाइम से रहा है, लेकिन पहली बार माना जाता है कि इस पर अच्छी फिल्म बनी या इस पर जो अच्छे से दिखाया गया वो दिखाया गया फिल्म इंटरस्टेलर में। लेकिन उससे कई साल पहले जब कैप्टन व्योम बन रहा था तो कैप्टन व्योम की कहानी का एक अहम हिस्सा वार्महोल था, क्योंकि कैप्टन व्योम का जो मेन काम था वो यही था कि उन 12 कैदियों को वार्महोल तक पहुंचने से रोकना। इंटरनेट पे आपको अक्सर ये पढ़ने को मिलेगा, कई जगह पढ़ने को मिलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज पहली ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें बेनेडिक्ट कंबरबैच ने पहली बार एक हीरो के किरदार भी निभाया है और डॉक्टर स्ट्रेंज का, और डॉ मानू के जो किरदार है विलेन का उसको आवाज़ दी। लेकिन ये फैक्ट गलत है क्योंकि इससे कई साल पहले जब कैप्टन व्योम बना था 1998 में, तो संजीव वस का एक जो किरदार था इंजीनियर फुलर का, जो कैप्टन व्योम का साथी होता है, एक तरीके से साइड हीरो होता है, वही उस सीरीज़ में काला साया नाम से विलेन के किरदार को आवाज़ भी देता है। कैप्टन व्योम की अगर बात की जाए तो वो मिलिंद सोमन के बिना पूरी नहीं हो सकती। कैप्टन व्योम अगर इंडिया का पहला सुपर सोल्जर है तो मिलिंद सोमन इंडिया के पहले सुपर मॉडल। इतना ही नहीं, 90s के जो बच्चे रहे हैं या 90s में जिन्होंने कैप्टन व्योम को देखा है उनके लिए मिलिंद सोमन और कैप्टन व्योम की एक अलग ही फैंटेसी है। वैसे कैप्टन व्योम सीरियल में कई और भी सुपर मॉडल थे जो जिनमें आरव चौधरी, जो बाद में धूम और महाभारत सीरियल में भीष्म पितामह बने अभी हाल फिलहाल में, और परिजाद जो जॉगर्स पार्क मूवी में दिखाई दी, मधु सप्रे जो लंबे समय तक मिलिंद सोमन की गर्लफ्रेंड रही और टफ शूज़ का एक एड उनको हमेशा के लिए अमर बना चुका है पहले ही, और उसके अलावा नेत्र रघुरमन, डिनो मोरिया, ऐसे और भी बहुत सारे सुपर मॉडल्स उस दौर में जो थे सुपर मॉडल वो रहे। वैसे भी वो सुपर मॉडल्स का आखिरी दौर था क्योंकि उसके बाद सुपर मॉडल्स जैसी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए और टीवी और विज्ञापनों की दुनिया में सुपर मॉडल की जगह फिल्म स्टार और क्रिकेटरों ने ले ली। इसी में एक किरदार कार्तिका राणे ने निभाया था जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप राणे की भतीजी हैं। वैसे कैप्टन व्योम में पहली बार टीवी पे राहुल बोस भी दिखाई दिए थे जो मिस्टर एंड मिसेस अय्यर और प्यार के साइड इफेक्ट जैसी मूवीज में भी दिखाई दिए हैं। कैप्टन व्योम का निर्देशन मांझी द माउंटेन मैन, मिर्च मसाला और माया मेम साहब जैसी फिल्मों के डायरेक्टर रहे केतन मेहता ने किया था और उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी दीप्ति नवल के मंगेतर विनोद पंडित भी कैप्टन व्योम में एक अहम किरदार निभा रहे थे पाब्लो का। विनोद पंडित पंडित जसराज के भतीजे हैं और जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर के भाई हैं। इस सीरियल के कुछ समय बाद ही उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी सन 2001 में। दीप्ति नवल विनोद पंडित की याद में एक फाउंडेशन, विनोद पंडित फाउंडेशन भी चलाती हैं। वैसे मिलिंद सोमन एक बार बोल चुके हैं कि कैप्टन व्योम को अगर दोबारा बनाया जाए तो आज के ज़माने में वो वेब सीरीज या वीडियो गेम के तौर पर बन सकता है, और अगर मेरे से पूछा जाए कि उनके किरदार को दोबारा कौन निभाएगा तो मुझे लगता है हमारे मिलिंद सोमन इस मामले में पूरे फिट हैं क्योंकि उनकी फिटनेस को देख के वो इस किरदार को अभी भी दोबारा निभा सकते हैं। अगर हॉलीवुड के पास टोनी स्टार्क के रोल पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर है तो हमारे पास मिलिंद सोमन है। वैसे हम आपको बता दें कि अगर आपको कैप्टन व्योम के सीरियल्स दोबारा देखने हैं तो इसका प्रोडक्शन करने वाली कंपनी माया एंटरटेनमेंट ने यूट्यूब पर एक वाओ टीन्स नाम से चैनल बनाया हुआ है जिस पर जाके आप उसके सारे एपिसोड्स देख सकते हैं कैप्टन व्योम के, और वो पहले से बेटर क्वालिटी HD क्वालिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज या डोगा जैसे हमारे इंडियन कॉमिक कैरेक्टर्स पर कभी कोई फिल्म या वेब सीरीज क्यों नहीं बन पाई तो उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और जिंदाबाद तुम्हारा सामने है।